Hello, welcome to Arbind Singh Academy. We are discussing set theory today. This is very first chapter of class 11 mathematics. आज set theory की शुरुआत करते हैं और ये बहुत ही interesting topic है. Although आप पहले से इस topic के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते होंगे, लेकिन विश्वास कीजिए ये topic बहुत interesting है और बहुत ही सुंदर topic है. तो इस topic में क्या पढ़ना है? पहले है set theory. तो सेट थ्योरी में सेट है एक थ्योरी है. सेट क्या होता है ये समझने की कोशिश करते हैं कि सेट क्या होता है. वैसे तो आप ये समझते होंगे सेट का कोई फिक्स डेफिनेशन तो नहीं है, फिर भी हम ये कह सकते हैं. आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए क्या कह सकते हैं सेट को. सेट जैसे आप बातचीत की भाषा में कहते हैं कि सोफा सेट. घर में आपके सोफा सेट होंगे. सोफा सेट में क्या होता है? चेयर्स, कुछ सोफा होती है और एक सेंटर टेबल होता है ना. या तो फाइव सीटर सोफा सेट होती है, थ्री सीटर होती है, सेवन सीटर होती है, इलेवन सीटर होती है. कई अमीर लोग होते हैं जिनके यहाँ 13-15 सीटर भी सोफा सेट होती है. लेकिन उसमें सोफा सेट ही होता है. उसमें क्या होता है? बैठने के लिए सोफा होती है और सेंटर टेबल्स होते हैं, यही होता है, बाकी कुछ और नहीं होता. इसी तरह से टी सेट. टी सेट में क्या होगा? तो टी सेट में ट्रे होगी, कप्स होंगे, टी कप्स होंगे, प्लेट्स होंगे और सर्विस जग होगा, यही होगा. इस तरह से कई नेकलेस सेट आपने सुना होगा कि नेकलेस सेट. तो नेकलेस सेट में क्या होता है? एक नेकलेस होती है, इयररिंग्स होती है, पेंडेंट होती है वगैरह वगैरह, यही सारी होती है. तो ये सारी चीजें एक सेट है. अब ये तो कोई नहीं कह सकता ना कि मुझे एक नेकलेस सेट मिले उसमें दो जोड़ी जूते मिले, ऐसा तो होगा नहीं. क्योंकि नेकलेस सेट में एक वेल डिफाइंड है कि नेकलेस सेट मिला है. ये अंडरस्टूड बात है कि किसी लड़की को आपने नेकलेस सेट गिफ्ट दिया है या किसी को मिला है, तो इसका मतलब है कि उसमें इयररिंग्स मिली होंगी और लॉकेट मिला होगा और चेन मिली होगी, ये सारी चीजें उसके अंदर होगी. तो सेट का मतलब, ऐसे भी हम बातचीत की भाषा में कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर. तो उसमें क्या होता है? उसमें 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे नंबर होते हैं. ऐसा तो है नहीं कि उसमें 1/2 होता है. तो उसकी भी एक डेफिनेशन है, एक फिक्स आइटम है कि क्या होगा. सेट ऑफ प्राइम नंबर तो ये होगा 2, 3, 5, 7 ऐसे प्राइम नंबर्स होंगे, है ना. तो इस तरीके के हर एक सेट में एक वेल डिफाइंड या तो नंबर होता है या आइटम होता है या ऑब्जेक्ट होता है या कोई भी चीज होता है. जैसे सेट ऑफ स्टूडेंट्स दो आर स्टडिंग मैथमेटिक्स, तो इसमें मैथमेटिक्स पढ़ने वाले ही होंगे, इसमें ज्योग्राफी पढ़ने वाले नहीं होंगे, है ना. तो सेट ऑफ स्टूडेंट्स दो आर हैव राइट ऑफ वोटिंग, तो ये भी हो गया कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो इनको वोटिंग राइट है. तो सेट ऑफ मैरिड कपल्स, ये भी हो सकता है जितने लोग हैं उनकी एक सेट होगी जिनमें शादीशुदा लोग हैं. तो इसका मतलब ये है कि सेट क्या है? तो सेट है कलेक्शन ऑफ थिंग्स. अब थिंग्स क्या हो सकता है? इसमें लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है. तो ये जो आइटम है जिसका हम सिलेक्शन करते हैं इसको हम कहते हैं एलिमेंट्स. क्या कहेंगे? एलिमेंट्स. तो सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स दैट इज एलिमेंट्स. वेल डिफाइंड मतलब एक डिफाइंड है कि नेचुरल नंबर है तो उसमें नेचुरल नंबर ही होंगे. अगर प्राइम नंबर है उसमें प्राइम नंबर ही होंगे. अगर सेट ऑफ इंटीजर्स हैं तो उसमें इंटीजर्स ही होंगे. सेट ऑफ फ्रैक्शंस हैं तो उसमें फ्रैक्शंस और इंटीजर दोनों होंगे, क्योंकि इंटीजर इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ फ्रैक्शन. तो ये कहने का मतलब है, अब कोई कहे कि सेट ऑफ डेज ऑफ मंथ, सेट ऑफ डेज ऑफ ए वीक, तो मंडे से लेकर के और संडे तक ये सारे दिन हो गए, ये भी सेट ऑफ डेज हो गए. कोई कहता है हम ट्यूशन पढ़ाते हैं या हमारी फिजिक्स की क्लास लगती है टीटीएस में, ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे, तो ये 3 दिन का एक सेट हो गया कि फिजिक्स की क्लास ट्यूजडे थर्सडे और सैटरडे लगती है. तो इस तरीके से सेट एक जो है वो है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. आइए इस पर थोड़ा विशेष बात करते हैं. सेट थ्योरी. सेट थ्योरी पहले बात करते हैं सेट की. तो सेट इज ए इट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ इट इज रिटन ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ कर्ली ब्रैकेट. इट इज रिटन
in this bracket. This is called middle bracket or curly bracket. ठीक है, इसके अंदर लिखा जाता है. For example, if A is a set, इसमें हमने रख दिया A, E, I, O, U, ये हो गया except. ये क्या है? This is set of vowels. इसी को लिखने का तरीका ये भी हो सकता है कि X such that, इस सिंबल को कहते हैं such that. X X ऐसा है कि कैसा है कि X is a vowel of X is a vowel of English alphabet. X is a vowel of English alphabet. English alphabet. ठीक है? तो कहने का मतलब यह है कि हम लिख सकते हैं या तो ऐसे या तो ऐसे. सेट का नाम लिख सकते हैं उसकी कॉमन पर. ये वेल डिफाइंड जो वर्ड है यहाँ पे ये वेल डिफाइंड हो गया कि वॉवेल है इंग्लिश अल्फाबेट. और ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं? तो ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो है ए ई आई ओ यू. या तो इसके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक से इसको डिफाइन कर सकते हैं या इसको डिस्टिंक्ट एलिमेंट से, एलिमेंट जो है उनसे हम डिफाइन कर सकते हैं. जैसे मैं लिखूं एन इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने एलिमेंट्स हैं ये पता नहीं, इनफाइनाइट. इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं तो ये सेट जो है उसको हम इनफाइनाइट सेट कह सकते हैं क्योंकि इसमें एलिमेंट जो है वो कितने हैं ये पता नहीं है. इसी को दूसरे तरीके से अगर हम लिखें तो हमें लिखना चाहिए कि एन इज अ सेट एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर ऊपर वाली चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इन दो तरीकों का नाम है एक जिसमें हम करेक्टरिस्टिक से लिखते हैं और एक जिसमें हम एलिमेंट्स को अलग अलग लिखते हैं, है ना. तो ये हुआ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स. हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स की. रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट. ये दो तरह के रिप्रेजेंटेशन हो सकता है. एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म, और दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं ये रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म. इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है इस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, एलिमेंट्स को उसके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक से डिस्क्राइब किया जाता है. एलिमेंट्स आर डिस्क्राइब बाय कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना. एलिमेंट्स को कॉमन कैरेक्टरिस्टिक से डिस्क्राइब करते हैं. और इसमें क्या करते हैं? एलिमेंट्स आर हैज इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन, इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन, सेपरेटेड बाय कॉमा, सेपरेटेड बाय कॉमा, कॉमा, ठीक है. तो ये है कॉमा से हम एलिमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं. जैसे यहां पे हम कहें कि एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10, लेस देन 10 ये लिखा हुआ है. तो इसमें ये हो गया. और इसी को अगर हम इस फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे ए सेट को प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2, 3, 5, 7 ये है 10 से छोटे प्राइम नंबर्स. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं. तो आप समझ गए होंगे कि सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं. एक है सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म. अब अगर कोई हम सेट लिखते हैं और इसके ये एलिमेंट्स हैं दिया हुआ है कहीं करेक्टर में तो हम इसको कैसे, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे टू इज एन एलिमेंट ऑफ ए. इसमें कहेंगे टू इज एन एलिमेंट ऑफ, एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए,
इसी बात को सिंबॉलिकली लिखते हैं, चूंकि इतना लंबा नहीं लिखना चाहते, तो हम कहेंगे टू बिलोंग्स टू ए, या टू इज एन एलिमेंट ऑफ ए, एक ही बात है। इसको ऐसे भी पढ़ सकते, अल्सो रीड एज, इसको अल्सो रीड एज, अल्सो रीड एज टू बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना, टू बिलोंग्स टू ए। अब इसमें थ्री भी एन एलिमेंट ऑफ ए, हम कह सकते हैं कि थ्री इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए, फाइव इज एन एलिमेंट ऑफ ए, सेवन इज एन एलिमेंट ऑफ ए, एट इज डजंट एन नॉट एलिमेंट ऑफ ए। इस सिंबल का मतलब हुआ डज नॉट बिलोंग्स टू, ये सिंबल का मतलब हुआ डजंट बिलोंग्स टू, डजंट बिलोंग्स टू यानी नॉट एन एलिमेंट ऑफ, बिलोंग्स टू। तो एट डजंट बिलोंग्स टू ए, एट यहां पर ए में नहीं है, ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। तो दो तरह के सिंबल हो गए, एक बिलोंग्स टू और दूसरा डजंट बिलोंग्स टू। अच्छा, सेट कहते किसे हैं? तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, डिफाइंड है मैंने होना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम यही कहते हैं यहाँ पे कि नाइन डजंट बिलोंग्स टू ए, सही है, ठीक है, टेन डजंट बिलोंग्स टू ए, पी डजंट बिलोंग्स टू ए, जो ऊपर हमने लिखा है, तो ये तरह के सिंबल हैं, ये उसमें नहीं है। तो नहीं है, तो नहीं है का मतलब ये सिंबल हो गया, और ये सिंबल अगर कहते हैं तो इसका मतलब क्या है, बिलोंग्स टू, ये सिंबल का मतलब बिलोंग्स टू मतलब है। अगर हम कहते हैं कि 11 बिलोंग्स टू ए, ये सही है कि गलत, तो ये गलत है, क्योंकि 11 यहाँ पर ए में नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके का सही और गलत हम कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि हम ये समझें कि सेट होता क्या है, और कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझे वेल डिफाइंड का क्या मतलब है। अगर मैं कहूं कि सेट ऑफ मोस्ट टैलेंटेड एक्टर्स ऑफ द बॉलीवुड इंडस्ट्री, तो बॉलीवुड की मोस्ट टैलेंटेड 10 एक्टर्स, आप बता सकते हैं ये कैसी कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें मोस्ट टैलेंटेड नहीं कैलकुलेट किया जा सकता, ये नहीं बताया जा सकता सबसे ज्यादा टैलेंटेड कौन है। किसी की नजर में इन व्यू ऑफ समवन, अमिताभ बच्चन इज ए ग्रेट एक्टर, इन व्यू ऑफ अदर वन शाहरुख खान इज ए ग्रेट एक्टर, इन व्यू ऑफ थर्ड वन मे बी द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर इज आमिर खान और एनी अदर पर्सन। सो डेफिनेटली हर एक आदमी की चॉइस और लाइकिंग अलग अलग है, उसके आधार पे अलग अलग जो है सबसे ज्यादा टैलेंटेड लोगों की सूची बन सकती है। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट नहीं हुआ, इसलिए इस तरह को हम सेट नहीं कह सकते। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे वर्ड्स जो कि ऐसी सेट की बात जिसमें की जा रही हो, जैसे कहें कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, तो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया और वर्ल्ड, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि किसी को किसी में टैलेंट ज्यादा दिखेगी, किसी में किसी को टैलेंट ज्यादा दिखेगी। बेस्ट टेस्ट क्रिकेट 11 प्लेयर ऑफ वर्ल्ड, ये भी नहीं कह सकते, सिर्फ रिकॉर्ड के आधार पे नहीं कह सकते कि ये बेस्ट है। किसी की बॉलिंग में रिकॉर्ड अच्छी होगी, किसी की फील्डिंग में रिकॉर्ड अच्छी होगी, किसी की बैटिंग में रिकॉर्ड अच्छी होगी, और रिकॉर्ड के अलावा भी उसने किन परिस्थितियों में बनाए रन, किस सिचुएशन थी, कैसी पिच थी, ये सब भी काउंट करता है। तो ये नहीं कह सकते कि ये टेस्ट 10 मोस्ट टैलेंटेड लोग हैं, ये टैलेंटेड राइटर हैं, ये टैलेंटेड प्लेयर हैं, ये टैलेंटेड मोस्ट एक्ट्रेस हैं, ये सब नहीं कह सकते। अब लेकिन अगर मैं कहूं कि व्हाट इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, तो ये तो फिक्स है, डेफिनेट है। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100, ये भी सही है। तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनकी हम चर्चा कर लेते हैं, और कुछ क्वेश्चंस हैं पहली एक्सरसाइज में, उसी को आज देख लेते हैं और उसी पे आज बात करते हैं, ठीक है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो आपकी एक्सरसाइज में है, और उस पर चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ ही क्वेश्चंस हैं, और इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर, कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे, ये तो हो सकता है सेट एक, कैसे? तो ये एक ऐसा सेट हो सकता है पहले का आंसर जे से शुरू होने वाला सेट, कौन कौन से नाम दे देता हूँ। ए, एक जनवरी जे से शुरू होता है, जनवरी है ना, उसके बाद जून शुरू होता है और जुलाई शुरू होता है। तो ये कैसा सेट हो गया, ये इज ए सेट, क्योंकि इसमें क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है।
दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ये इज नॉट ए सेट, इज नॉट ए सेट बिकॉज सिंस मोस्ट टैलेंटेड इज नॉट वेल डिफाइंड, सिंस मोस्ट टैलेंटेड टैलेंटेड राइटर्स आर नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड एंड देयर फोर इट इज नॉट ए सेट, देयर फोर इट इज नॉट ए सेट, इट इज नॉट ए सेट। ठीक है, तो ये एक सेट नहीं है, ये मोस्ट टैलेंटेड जो लोग हैं ये एक सेट नहीं है। ठीक है, अच्छा ओके, अब थोड़ा और देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। देखो थर्ड क्वेश्चन है कि ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, क्या ये सेट होगा बताए। दिस इज ऑल्सो नॉट वेल डिफाइंड, सो द दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड, हैंस नॉट सेट, हैंस नॉट सेट, क्योंकि टैलेंटेड बैट्समैन ये अलग अलग है, जैसे कि हमने पहले कहा। चौथा क्वेश्चन लिखा है कि फोर्थ का क्या लिखा है, फोर्थ में लिखा है द कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर क्लास, ये एक सेट है ना, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100, इस 100 से नीचे के नेचुरल नंबर हो सकते हैं एक सेट है, एंड कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, उन्होंने कुछ लिमिटेड ही किताबें लिखी होगी नॉवेल्स, तो वो भी एक सेट है, जिसमें गोदान वगैरह हम रख सकते हैं, कर्मभूमि रख सकते हैं ना, तो इस तरह के उनके जो किताबें हैं उनको हम उसमें रख सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी हो सकता है एक सेट, 2, 4, 6, 8, 9, 10 ऐसे, तो इस तरह का एक होगा, ये सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, ये भी एक डेफिनेट नंबर ऑफ क्वेश्चन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, कलेक्शन करके ही तो एक क्वेश्चन बैंक बनाया है, और एक चैप्टर में एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है, तो इस तरीके से। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये भी एक सेट नहीं है, क्योंकि मोस्ट डेंजरस कैसे कह सकते हैं, किसी टर्म्स में कोई बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस है किसी में, कोई बहुत ज्यादा पॉइजनस है, इस तरीके से हम इसके बारे में नहीं कह सकते कि ये सेट है। तो अब 4, 5, 6, 7, 8 दीज आर सेट्स, यहाँ पे हम कह सकते हैं 4, 5, 6, 7 एंड 8 आर ऑल सेट्स, आर ऑल सेट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड देयर फोर दे आर सेट, देयर फोर दे आर सेट्स, दे आर सेट्स। तो ये आपको समझ आ गया, उम्मीद है ये समझ आ गया होगा आपको कि ये सारे जो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है उसी को हम सेट कहते हैं, किसी दूसरे को सेट नहीं कह सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है ये लिखा है, सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू इन द स्पेस, जो बात हम बता चुके हैं वही बात यहाँ बतानी, तो आप बताइए इसमें कौन कौन से बिलोंग करता है और कौन कौन से नहीं बिलोंग करता है। 5 बिलोंग करता है जी, यस, तो कौन सा सिंबल होगा, ये वाला 5 बिलोंग टू ए, और 8 इसमें है, नहीं है, तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू हो गया, है ना, ये सिंबल बिलोंग्स, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू। उसके बाद 4, 4 यस, 4 बिलोंग टू दिस, तो ये 4 बिलोंग टू, 2 यस, 2 बिलोंग टू दिस सेट, तो ये भी हो गया, और 10, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू, तो इस तरीके का ये क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है ना, बताया था ना कि बहुत आसान सा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं, आइए अब ये क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है इस क्वेश्चंस में। इन क्वेश्चंस में लिखा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, अभी ये किस फॉर्म में लिखा है, सब में करेक्टरिस्टिक के हिसाब से लिखा है,
इसका मतलब सबके सब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, हमें इसको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो हम क्या लिखेंगे, एक सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, और इंटीजर कहां से कहां तक है, पहले क्वेश्चन का आंसर होगा जो है ए इज इक्वल टू माइनस थ्री से बड़ा, माइनस थ्री से बड़ा या बराबर, तो माइनस थ्री से बड़ा माइनस टू प्लस वन जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, लेस देन सेवन लिखा है तो सेवन हम नहीं लिखेंगे। ये हो गया रोस्टर फॉर्म में, इतने सारे इसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। अब इसी में जो बी पार्ट है उसका क्या आंसर होगा ये देखते हैं। जो दूसरा है इसका, ये लिखा है बी इज ए सेट, अब इसको रोस्टर एक सी सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स, नेचुरल नंबर किससे शुरू होता है, वन से, तो वन टू थ्री फोर फाइव, लेस देन सिक्स लिखा है इसलिए सिक्स नहीं लिखेंगे, है ना। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म में। तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, ध्यान से देखिए, सी सी एक सेट है, एक सच दैट एक्स इज ए टू डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ डिजिट इज एट, टू डिजिट का होना चाहिए लेकिन सम ऑफ डिजिट एट होना चाहिए। तो रफ में ये देखते हैं, एट कैसे कैसे हो सकता है, वन प्लस सेवन से एट हो सकता है, टू प्लस सिक्स से हो सकता है, थ्री प्लस फाइव से हो सकता है, और फोर प्लस फोर से हो सकता है एट। तो इसका मतलब है कि नंबर क्या क्या हो सकते हैं, एक सेवनटीन हो सकता है, वन सेवन, और जीरो एट भी हो सकता है, जीरो एट भी हो सकता है ना, तो जीरो एट भी हो सकते हैं। तो एक होगा सेवनटीन, उसका उल्टा सेवेंटी वन, फिर ट्वेंटी सिक्स, सिक्सटी टू, थर्टी फाइव, फिफ्टी एट, फोर्टी फोर, और जीरो एट, लेकिन जीरो एट टू डिजिट होगा नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, एट्टी। ये जीरो एट इज नॉट ए टू डिजिट नंबर, बट एटी इज टू डिजिट नंबर। सो ये नंबर्स हो गए इसके मेंबर। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। चौथा जो सवाल है उसका क्या आंसर है, देखिए, डी एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर व्हिच इज डिवाइजर ऑफ 60, तो 60 के डिवाइजर क्या क्या हो सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए, 60 के डिवाइजर हो सकते हैं 2 इंटू थ्री सिक्स, 6 इंटू टू, 6 इंटू टू 12 इंटू फाइव, ये हो सकते हैं कि 2 इंटू टू 4, 4 इंटू 15 60। तो इसके डिवाइजर, अब एलिमेंट्स को दो बार नहीं लिखते हैं, तो हम क्या क्या लिखेंगे, 2 इज ए डिवाइजर, 2 इज ए डिवाइजर, है ना, और 3 इज ए डिवाइजर एंड 5 इज ए डिवाइजर, दीज आर प्राइम डिवाइजर्स ऑफ 60। ई में लिखा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रिग्नोमेट्री, ई फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो क्या है, तो ई इज ए सेट ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से अल्फाबेट है, टी है, आर है, आई है, जी है, ओ है, एन है, ठीक है, फिर ओ है तो दोबारा नहीं लिखेंगे, एम है ना, और ई है, और फिर टी है तो टी दोबारा नहीं लिखेंगे, फिर आर है वो भी नहीं लिखेंगे, फिर वाई लिखेंगे। तो ये हो गया, ये सारे वर्ड्स है ट्रिग्नोमेट्री के, इसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। इसी तरह से एफ जो सेट है वो है बेटर, बेटर में क्या लिखेंगे बताइए, एफ सेट है बेटर में होगा बी ई टी आर, टी दो बार है लेकिन लिखेंगे एक ही बार, एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिपीटेड इन द सेट। तो ये सारी चीजें आप सीख चुके हैं और उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना आसान है, ये तो फोर्थ क्लास में होनी चाहिए इनफैक्ट, लेकिन ये है एलेवेंथ क्लास में, मजाक कर रहा हूँ, जो जिस क्लास में होती है उसी क्लास में होनी चाहिए, ठीक है ना, बट है बहुत आसान, है ना, आप इस बात से सहमत तो जरूर होंगे कि ये बहुत आसान है, इसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी निश्चित रूप से, है ना। अब ये जो क्वेश्चन है, ये लिखा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें लिखा है 3, 6, 9, 12, ये क्या है, 3 के मल्टीपल है और 12 तक है, यानी इसको दो तीन तरीके से लिखा जा सकता है, वेयर एक्स इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3, पहले क्वेश्चन का आंसर लिखा जा सकता है एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, नेचुरल नंबर
multiple of 3 and less than 13, 13 से छोटा और मल्टीपल ऑफ 3, ऐसा लिख सकते हैं। इसी तरह से कई तरीके हैं लिखने का कोई एक यूनिक तरीका नहीं हो सकता। इसी को लिख सकते हैं 3n या 3k, where k is equal to 1 2 3 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये है 2 4 8 16 32, तो इसको लिख सकते हैं x such that x is equal to 2 to the power n, where n is equal to n h lies between greater than 1 and less than equal to 5 and n h natural number, ठीक है, and n h natural number less than equal to 5, लिख सकते हैं, where, ऐसे भी लिख सकते हैं, where n is a natural number less than 5, less than 6, ठीक है, 6 से छोटा, देखो ये आ गया, 2 का पावर 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 का पावर 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, ऐसा। तो थर्ड क्वेश्चन इसमें लिख सकते हैं, थर्ड वन, वही 5 का पावर n, और n इज इक्वल टू 1 2 3 4, ऐसे नेचुरल नंबर, ठीक है ना, 5 के बारे में ऐसा लिख सकते हैं। तो थर्ड जो क्वेश्चन होगा उसको हम लिख सकते हैं क्या, कि x such that x is 5 equal to 5 to the power n, where n is natural number less than 5, ठीक है, क्योंकि n का पावर यहाँ 4 करने पे 625 आएगा, 1 करने पर 5 आएगा, 2 करने पर ये आएगा। अब ये जो है चौथा, इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, चौथा जो है उसको लिख सकते हैं फोर्थ क्वेश्चन को, इसका 2 4 6 से ऐसे लिख देंगे, x such that x is an even natural number, ये क्या है 2 4 6 8, क्या है, even natural number, इनकी गिनती खत्म नहीं हो रही है ना, तो ये है even natural number। और फिफ्थ एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान से देखें, ये है कौन सा, फिफ्थ क्या है, 1 4 9, ये है 1 square 2 square 3 square, ठीक है ना, तो इसको लिख देंगे x such that x is equal to n square, where n is natural number less than 11, बस। तो ये भी आंसर हो गया कि 1 से लेके 10 तक के नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। तो इस तरह से हम किसी क्वेश्चन को लिख सकते हैं, कर सकते हैं, उम्मीद है कि आपको इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी, है ना, समझ आ रहा है ना, ओके। अब ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखें, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, मतलब रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना है, तो पहले का आंसर क्या होगा, ऐसा कर सकते हैं आप, पहले भी किया है आपने, पहले का आंसर होगा एक सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर क्या क्या होगा, ए इज इक्वल टू 1 3 5 7 9, ऐसे ये हो गए ऑड नेचुरल। दूसरा क्वेश्चन में लिखा है, ध्यान से देखें, b इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर -12, x इज ग्रेटर देन -12, -1/2 एंड 9/2, ये है 1/2 और ये है 9/2, ठीक है ना, तो ये 1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा, ये है इसका, तो ये है 1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा, तो -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा, ऐसा है ये पूरा, ठीक है ना, ये -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा। तो -1/2 नंबर लाइन पे अगर हम ड्रॉ करें तो -1/2 से बड़ा क्या क्या हो सकता है, ये है -1/2, इससे बड़ा होगा 0, फिर होगा 1 2 3 4, क्योंकि 9/2 4.5 होता है, तो ये सारे होंगे 0 1 2 3 4, इसका मतलब हो गया 0 1 2 3 4, ये हो गया माइनस हाफ से बड़ा और 1/2 से छोटा, ठीक है ना, ये चीज हो गई इसके अंदर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, कि x सच दैट x, जो थर्ड पार्ट है वो है x सच दैट x इज एन इंटीजर, x इज ग्रेट x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, ये स्क्वायर है, x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4,
तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 0। इसका मतलब होता है कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 इज लेस देन 0, यानी एक्स माइनस 2 से 2 के बीच में होगा, एक्स माइनस 2 से 2 के बीच में होगा, और होना क्या है, इंटीजर होना है जी। तो इंटीजर होने का मतलब ये हुआ कि कौन कौन से इंटीजर हो सकते हैं, इसमें हो सकता है माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, ये सारे होंगे। इनको स्क्वायर करोगे तो ये 4 या उससे छोटा होगा, 4 या उससे छोटा होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। तो ये हो गया x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, और इसलिए ये होगा। ये एक बेसिक अलजेब्रा है जो आपने पहले पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो आप इसको मैथमेटिकल टूल में हमने बताया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, आप देख सकते हैं। या वैसे भी आप नंबर सोच सकते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसको स्क्वायर करने पर 4 या उससे छोटा होगा। तो ये 4 हो सकता है माइनस 2 का स्क्वायर करने पर, माइनस 1 का स्क्वायर करने पर 1 होगा, जो 4 से छोटा है, 0, 1, 2, और इंटीजर ही होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है फोर्थ, वो है डी इज इक्वल टू, क्या लिखा है, एक सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल। तो इसमें होगा एल ओ वाई ए एल, लेकिन एल दो बार नहीं हो सकता, तो इसलिए इतना ही होगा, 4 ही अल्फाबेट होंगे इसके अंदर। एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, ऐसा कौन कौन सा ईयर है जिसमें मंथ है जिसमें 31 डेज नहीं है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें जनवरी में 31 होता है, फरवरी हो सकता है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, मार्च नहीं होगा, अप्रैल होगा, अप्रैल मई नहीं होगा, जून होगा, जुलाई अगस्त 31 के होते हैं, सितंबर 30 के होते हैं, अक्टूबर 31 के, नवंबर 30 के, ठीक है ना, दिसंबर 31 के, फिर जनवरी 31 के। तो इस तरीके से ये सारे होंगे जो 31 डेज के नहीं है, ये कह रहे हैं नहीं है। तो इसलिए x such that x is a constant and in the English alphabet which precedes k, k से पहले कंसोनेंट जो के पहले है, तो के पहले वाले कंसोनेंट कौन कौन से होंगे बताइए, f, ये जो है के पहले वाले कंसोनेंट यहाँ पे होंगे, f जो सेट है इसमें होंगे, a तो वॉवेल है, b, c, d, e को वॉवेल है, f, g, h, i कंसोनेंट है, j, और के पहले वाले, तो ये हो गए इतने सारे, ये हो गया इसका आंसर। तो ये करना बहुत आसान है और बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट रोस्टर फॉर्म एंड सेम सेट डिस्क्राइब इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म में लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। तो पहली चीज की 1, 2, 3, 6 क्या है, ये है 6 के फैक्टर्स, कहीं लिखा है नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6, तो फर्स्ट का सी हो गया, फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, सी, क्योंकि ये डिवाइजर ऑफ 6 है। 2, 3 क्या है, प्राइम नंबर डिवाइजर ऑफ 6, यस, तो इसमें हो गया 2 का, ये 2 जो है उसका क्या होगा, 2 का ए, ए 2 का ए होगा। और फिर क्या लिखा है, थर्ड, थर्ड जो है वो क्या है, एम ए टी एच ई आई सी एस मैथमेटिक्स वाले, तो ये है डी, इसका डी होगा। और फोर्थ जो है उसका क्या होगा, तो फोर्थ है 1, 3, 5, 7, 9, अब बचा क्या, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो इसका होगा बी। तो इस तरीके से आप आसानी से इस प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, और उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको बहुत पसंद आया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको समझ में आएगा। लेकिन आज इस क्लास में इतना ही, पहली क्लास है, आप इंजॉय करें, इसको दोबारा रिवाइज करें, खुद से थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, और फिर अगली क्लास में हमारी मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके भविष्य इस चैनल के जरिए बनने वाली है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें,
ताकि आपको हर एक चैप्टर के बहुत बेहतरीन कंसेप्ट आपको पता चल सके और क्वेश्चन का सलूशन पता चल सके। तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर को प्रेस कर दें। अभी फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिल से थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस।